ओके वेरी गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको डिजाइन पहचानी पहचानी लग रही कि नहीं लग रही है कि नया कुछ बता दिया? नहीं बताया ना मैंने। हाँ नया तो कुछ बताया नहीं है, तो वही आपका पुराना डिजाइन है और वही पुराना बेस है जो मैंने आपको बताया था। उसी डिजाइन में, जिस डिजाइन में मैंने आपको बेस बताया था, उसी में आपको काम करना है। डेट डालनी है, थॉट डालना है, डिजाइन स्क्वायर विद सनफ्लावर, वही सेम एज यूजुअल। मैंने हमेशा बता रखा है कि 15 सेंटीमीटर से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। डोंट यूज एनी स्केच पेन और पेन, यूज ओनली 3 कलर्स। मैंने बताया है आपको, कलर्स के पार्ट बताए हैं और ये आपका पूरा ट्रायंगल रेक्टेंगल में कैसे बनाना है आपको करना है। अच्छा अब करना क्या है मुझे? येलो कलर। अच्छा फ्लावर कौन सा, सनफ्लावर जो होता है वो कौन से कलर का होता है? वो आपका येलो होता है, ठीक है। येलो कलर, ये येलो कलर है कि नहीं है? सबको पता है येलो कलर कैसा होता है, ठीक। तो वो येलो कलर ये लिया हमने, उसको हल्का सा बहुत एकदम पानी को मैंने ऐसा लिया है कि ब्रश से गिर भी नहीं रहा है। ये पानी में डिप किया मैंने, ठीक है, इस पानी में डिप किया है लेकिन गिर नहीं रहा है। तो उतना ही पानी लेना है और हमको थोड़ा सा यहाँ पे पानी, जब ब्रश में ऑलरेडी लगा रखी है तो उसको थोड़ा सा हमें हल्का सा यहाँ पे दिखाना है कि बस पानी ब्रश में रहे ना बिल्कुल भी, और हल्का सा ब्रश भी हमारा, ब्रश को ऐसा बनाना है कि ब्रश आपका मूव कर सके, बस कॉपी पे आपके पेज पे ब्रश जो है वो आपको मूव कर सके, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे हम, पतला ब्रश लेना वरना कर नहीं पाओगे, ठीक। सिर्फ आपको फिलिंग करना मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ आपको मैंने क्या बताया, फिलिंग करना, और अभी कुछ नहीं बताया मैंने आपको कि आप इसको फिल कैसे करते हैं। पहले बात तो आप ब्रश को पकड़ना सीखिए और कलर को मेल्ट करना सीखिए, उसके बाद फिलिंग करना सीखिए। इतना आप कर लेंगे तो आप, यानी कि आपको ड्राइंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आप पहले कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा ना आप सबसे? नहीं होगा, हो जाएगा, क्लियर। सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, ब्रश वो आपका कलर मेल्ट कैसे होना है और कैसे आप उसको फिल करते हैं। फिल करने के लिए जैसे आपको जो पेटल्स दिया हुआ है उस पेटल्स में आप कलर करते रहिएगा, ठीक। सिंपली ऐसे जैसे बताया मैंने आपको वैसे कंप्लीटली जो स्पेस आपने छोड़ी थी डिजाइन की वही स्पेस होनी चाहिए। बेस तो आपने कर दी, कर लिया, और पहले सबसे पहले बेस ही करें, ये नहीं कि पहले फ्लावर करके बैठ गए फिर बेस कर रहे हैं, नहीं, पहले आपको बेस करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बताती जा रही हूँ आपको उसी स्टेप में करना है, खुद का स्टेप नहीं बनाना है। और अगर बनाना है तो फिर ठीक है, अच्छा है, अगर आप खुद बहुत अच्छी ड्राइंग आती है तो आप हमें करके दिखाइए, अभी तो देखिए आपकी ड्राइंग, शायद हम भी सीख जाए कुछ आपकी ड्राइंग से। ग्रीन पार्ट छोड़ देना है, ठीक है, जो आपका अगर फ्लावर येलो है तो उसकी जो कली होगी वो भी येलो ही होगी ना, तो आपको ये भी येलो ही करना है। उसका हाफ फ्लावर भी कहीं मैंने बनाया है, ये जितना फ्लावर है जो भी कली होती है जो, अब आप उसको पूरा येलो से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ध्यान से करेंगे, फैलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत निकल जा रहा है कोई इशू नहीं, वो हम ब्लैक आउट लाइन से कवर कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले इतना आप काम करिए, स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे। ब्रश में पानी उतना नहीं होना चाहिए जितना कि गिरने लगे, मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत कम पानी देख रहे हैं। बस आपका ब्रश में पानी इतना हो जितना आप ब्रश को आप मूव कर सके, यानी कि इतना भी नहीं कि ब्रश सूखा है चल ही नहीं रहा है, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है, क्लियर। कुछ बचा है आपको, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको जो ये हमारे जो क्या कहते हैं ये जो कंगूरे होते हैं इनको भी हम कर सकते हैं, ठीक है, सब, लेकिन कुछ सब नहीं, ठीक, एक दो कर लिया बस, बाकी तो ग्रीन लाइट ग्रीन से करेंगे। इतना समझ में आ गया?